लास्ट टाइम में कहाँ तक हो गया? कैपेसिटर में क्या क्या पढ़ा दिया मैंने अब तक वो बता दो फटाफट, फिर आगे स्टार्ट करना है फिर। सर आपने लास्ट टॉपिक पढ़ाया था कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट, फिर उसके क्वेश्चंस भी करवाए थे। यस कैपेसिटर तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सर, फिर और उसके क्वेश्चंस करवाए थे। एक क्वेश्चन आपने घर के लिए भी दिया था। क्या क्वेश्चन था? सर जिसमें क्या ना क्यू और वी ना फाइंड करना था। अच्छा वो करवा दिया मैंने, कड़ियाँ को सबने, वो तो एक तो मैं हाँ एनसीईआरटी क्वेश्चन करवा दिया तुम्हें मैंने, ये देखो क्यों इस रिक्वेस्ट सी भी करवा दिया, सीरीज पैरेलल करवा दिया, ठीक सर, सी भी हो गया, सीरीज पैरेलल हो गया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो गया, और मीडियम वाला नहीं हुआ है ना इसमें, मीडियम वाला नहीं हुआ है। नो सर, नहीं हुआ। चलो अब मीडियम वाला, चलो अब जिन जिन के जो चल रहा है ना ऑडियो वीडियो को अपना कट कर दो वहां से, रेड बटन दबा के जब प्रॉब्लम हो तब ऑन करके तुम बोल सकते हो डायरेक्ट। अब बोर्ड सही दिख रहा होगा सबको? हाँ आकाश, आकाश बंद करो अपना आइकन, हाँ आकाश अब दिख रहा है बोर्ड सही? चलो अब देखो, देखो कैपेसिटेंस इन ए मीड इन मीडियम, कैपेसिटेंस इन मीडियम, लिखो नेक्स्ट टॉपिक कैपेसिटेंस इन मीडियम, मीडिया में कैपेसिटेंस कैसा होगा क्या होगा? नेक्स्ट टॉपिक है ये कैपेसिटेंस इन मीडियम, व्हेन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड, When dielectric medium is inserted between the plates, देखो सपोज मेरे पास ये कैपेसिटर है और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसके बीच में मैंने मीडियम इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट कर दिया मैंने इसके बीच में मीडियम, और इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है? एप्सिलॉन आर। ठीक है, जब अपन स्टार्ट किए थे फिजिक्स में तो अपन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर के बारे में एक चीज बताई थी मैंने कि कभी भी अगर तुम्हें एयर का फॉर्मूला पता हो, एयर का फॉर्मूला अगर तुम्हें पता हो और तुम्हें किसका फॉर्मूला निकालना हो, मीडियम का, एयर का फॉर्मूला पता हो और किसका फॉर्मूला निकालना हो तुम्हें, मीडियम का अगर फॉर्मूला निकालना हो तो तुम्हें किसको किससे मल्टीप्लाई करना है, एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई करना है, एप्सिलॉन आर से, ये तुम्हें बता दिया था मैंने। ठीक है, अब देखो ये प्लस क्यू चार्ज और ये माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है बीच में ये अपन को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्साइलन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्साइलन नॉट, थी दोनों सेम डायरेक्शन में थी तो कितना हो गया, ठीक है ये हो गया सिग्मा अपॉन एप्साइलन नॉट। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कब निकालनी है, जब मीडियम है, तो मीडियम है तो मीडियम के लिए जब हो तो एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एप्सिलॉन आर से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो गई, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन आर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अपन ने निकाली, केवल चेंज कितनी है, एप्सिलॉन नॉट को मल्टीप्लाई किससे किया अपन ने, एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब ई आ गया अपने पास, ई के बाद अपन क्या निकालेंगे, वी,
वी नो दैट ई इज इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन डी, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, ई इंटू डी, तो वी ई, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ई सिग्मा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी, वी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर अपॉन डी हो गया। अब यहां से वी निकल गया फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इसकी डेफिनेशन से, कैपेसिटर की डेफिनेशन से क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी वी, सी निकालना है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी हो गया, ठीक है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। मोहित अगर आवाज डबलिंग मोहित के हो रही है तो मोहित एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लो, हो जाएगा सही। सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, अब देखो क्यू बताइए, वी, वी कितना है, ये रहा, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, वी कितना है, सिग्मा डी एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन कर जाएगा ऊपर, तो सी इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, सेम पहले की तरह कर रहा हूं मैं, क्यू अपॉन ए इंटू डी, क्यू से क्यू कैंसिल, तो C is equal to epsilon naught A upon D into epsilon R। C किसमें निकाला है? M, M मतलब medium में निकाला, तो CM is equal to कितना हो गया? epsilon R epsilon naught A upon D। क्या मैं इसको C air बोल सकता हूँ? तो CM is equal to epsilon R epsilon R into C air हो गया। ये कैपेसिटेंस निकाल लिया अपन ने किसके अंदर? मीडियम के अंदर, ठीक है। अब देखो हमेशा अगर आप मीडियम इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? कैपेसिटर हमेशा क्या होगा? इंक्रीज होगा, और वो कितने टाइम्स इंक्रीज होगा? एप्सिलॉन आर टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो सी एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर सी एयर हो गया। कभी भी कहीं भी मीडियम इंसर्ट करोगे तो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई कर देना। दूसरी चीज मैंने बता रखी है कि अगर एयर का फॉर्मूला पता हो, ठीक है, आप देखो सी एयर ये मेरे को पता था, एक्स्ट्रा चीज देखो ये तो डेरिवेशन अपने बोर्ड में तो अपन को इस तरीके से करना पड़ेगा, बट मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। ये एयर का फॉर्मूला पता है मेरे को, मीडियम में निकालना है, तो मैंने क्या कहा था, एप्सिलॉन नॉट को किससे मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन आर से। एक ही लाइन में हो गया ये डेरिवेशन, लेकिन मैं एक लाइन में डेरिवेशन नहीं कर सकता क्योंकि बोर्ड में मेरे को नंबर नहीं मिलेंगे, ये शॉर्टकट मैं नहीं लगा सकता, ये मेरे को पूरा मेथड ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। उतारो इसको, हो गया, लिख लिया गया। अब आगे देखते हैं, अब देखो नेक्स्ट डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो है ही वो अपने, बट उसके क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं अपने बोर्ड में, ठीक है। देखो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, पार्शियली फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक,
पार्शियली फिल्ड विद ए डाइलेक्ट्रिक। पार्शियली मतलब ये इतना सा ही फिल किया हुआ है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? एप्सिलॉन। और यहाँ डिस्टेंस कितनी है इसकी? डी डिस्टेंस है। और इसकी थिकनेस कितनी है? टी थिकनेस। कितने थिकनेस की प्लेट रख दी अपन ने? टी थिकनेस। ये पार्शियली फिल है और इससे जो पहले वाली डेरिवेशन की थी अपन ने उसमें फुल फिल था। ठीक है, अब देखो मैंने अभी इससे पहले डेरिवेशन कराई, लास्ट क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की डेरिवेशन कराई। ठीक है, तो कोई भी एक जना अपना माइक ऑन करके ये बता दो कि मैंने इसमें क्या शॉर्टकट बताया था कि आपको कैसे काम में लेना है। कोई भी एक जना कि आपको सी निकालना है तो सी निकालने के लिए पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? कोई भी एक जना ऑन कर लो। देखो मैं इसको दो तरीके से कर सकता हूँ, सी इक्विवेलेंट भी निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं एक नया तरीका लगाता हूँ आज। ठीक है, अब देखो मेरे को क्यू इज इक्वल टू सी भी है, उस दिन भी समझाया था मैंने कि सी निकालना है तो क्यू तुम्हें पता होता है कि चार्ज प्लस क्यू और माइनस क्यू होता है, तो तुम्हें निकालना क्या है? बी निकालना है। तुम्हें क्या निकालना है? बी। बी निकालने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन डेरिवेशन स्टार्ट कहां से कर रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो बी आ जाएगा, बी आ जाएगा तो अपना सी आ जाएगा। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है ई नेट, वो दो वजह से है। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? एयर की वजह से। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक किसकी वजह से है? मीडियम की वजह से। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में मेरे को पता है कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ये फिक्स है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, ये फिक्स है, तो कहीं निकाल लो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है मतलब ये एयर में होती है। ठीक है, तो सिग ई एयर तो हो गया अपने पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने डिस्टेंस है उससे मतलब ही नहीं है अपन को, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ई एम मीडियम कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। या तो मैं इस तरीके से कर लूं, ठीक है चलो मैं इसी तरीके से कर लेता हूं इसको, अपनी इच्छा है अपन कैसे भी कर सकते हैं। ई निकाल लिया मैंने, अब ई के बाद मेरे को क्या निकालना है? बेसिकली मेरा जो इंपॉर्टेंट है वो है मेरा वी। वी मतलब पोटेंशियल। अब वी किस किस की वजह से है? एयर की वजह से। और देखो वी इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटू टी। अब मैं वी निकालना चाहता हूँ, किस किस की वजह से होगा? वी एयर की वजह से होगा, और v किसकी वजह से होगा? m की वजह से। अब एयर की वजह से b इज इक्वल टू e इनटू d, e एयर इनटू d, d जो डिस्टेंस होगी वो किसकी होगी? एयर की ही होगी। ठीक है, v m मतलब e किसका? मीडियम का। अब एयर की डिस्टेंस कितनी है इसमें? ये टोटल d है, ये t है, तो ये कितनी हो गई? एयर की डिस्टेंस होगी d माइनस t। अब e m कितनी होगी? t थिकनेस। e m कितना होगा? t थिकनेस का। ठीक है, तो जो मेरा V आ रहा है वो मेरा V पोटेंशियल जो है वो ये आ रहा है एग्जैक्टली। तो V इज इक्वल टू होता है E इनटू B। अब V किस किस की वजह से होगा? एयर की वजह से, मीडियम की वजह से। एयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये और डिस्टेंस ये है, मीडियम के लिए ये और डिस्टेंस। तो VP इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस, ये तो हो गया EM सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इनटू। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्सिलॉन डी, ये निकाल दिया पोटेंशियल। कई बार न्यूमेरिकल अपने कर बोर्ड में तो नहीं आते, लेकिन कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन न्यूमेरिकल बन के आ जाता है अपने पास। ठीक है, कि पोटेंशियल निकालो तुमको अंदर, सी तो सबको पता होता है, सी की शॉर्ट ट्रिक भी अपने पास सी निकालने की, बट वो पूछ लेता है यहाँ से। अब जिसको डेरिवेशन आती है वही कर पाएगा, अदरवाइज कोई नहीं कर पाएगा। तो VP इज इक्वल टू, अब Q इज इक्वल टू कितना होता है? CV। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V। Q V कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है, Q सिग्मा कितना हो गया? Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट।
डी माइनस टी प्लस टी अपॉन एप्साइलन आर। अब अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करूं तो क्यू से क्यू चला गया, तो सी इज इक्वल टू एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी माइनस, अब इन दोनों में कॉमन ले लिया मैंने माइनस का टी, तो क्या बच गया 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस का टी थिकनेस के लिए। इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ बट ये अपने बोर्ड में से डेरिवेशन है, तो ये अपन ने इस तरीके से कर दी। इसको कुछ नहीं किया, सेम पहले की तरह लगाया है, कोई चेंज नहीं किया है मैंने। समझ में आ गया? आप इसको डाउट हो वो मैसेज कर दो, ये अपना पहले लिख लो इसको एक बार, फिर इसको डाउट हो बोल देना। लिख लिया गया तुमने? लिख पाते हो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो, निकाली बड़े चलो अब आगे देखो। अगर मान लो मैं यहां पे इसी के अंदर मेरे पास एक प्लेट रखी हुई थी, ये इसकी थिकनेस कितनी है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर वन है, थिकनेस है टी वन, ठीक है। और यहां पे दूसरी स्लैब रखी हुई है, यहां पे तीसरी स्लैब रखी हुई है, और कितनी स्लैब रखी हुई है, एन स्लैब, ठीक है। इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर टू कहां तक, एप्सिलॉन आर एन तक, थिकनेस टी वन टी टू कहां तक, टी एन तक, ठीक है। बीच में इधर भी गैप है और इधर भी गैप है, ठीक है। तो अब मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है सी, अब मेरे को क्या निकालना है, सी कैपेसिटेंस निकालना है, ये मेरी नेक्स्ट डेरिवेशन, ठीक है। एक ही कैपेसिटर है, उसमें बहुत सारी अलग अलग स्लैब्स रखी हुई है, अलग अलग थिकनेस की, अलग अलग मीडियम की, तो कैपेसिटेंस मेरे को निकालना है। लिखो कैपेसिटेंस ऑफ ए, नेक्स्ट डेरिवेशन, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, फिल्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स, फिल्ड विद डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस,
ठीक है। अब देखो ये डेरिवेशन तुम अपनी बुक से कर सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे जो बी पोटेंशियल होगा वो किस किस की वजह से होगा, मैं समझा देता हूँ। बी एयर की वजह से होगा, ठीक है। प्लस किसकी वजह से होगा, फर्स्ट मीडियम की वजह से होगा, फिर किसकी वजह से होगा, सेकेंड मीडियम की वजह से होगा, डॉट डॉट डॉट, कितने मीडियम है अपने पास, एन बी, ठीक है। अब वी एयर की बात करूं मैं, किसकी बात करूं, एयर की, तो बताओ एयर कितने डिस्टेंस में। वी एयर हो जाएगा आपका ई एयर इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है एयर की, ये वाला और ये वाला गैप है, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि टोटल डिस्टेंस डी है, उसमें से ये कंप्लीट डिस्टेंस माइनस कर दू, इस पूरी में से इसको माइनस कर दिया, तो ये एयर की डिस्टेंस आ गई। प्लस वी फर्स्ट मीडियम के लिए वी कितना होता है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू डी। अब फर्स्ट मीडियम की अगर मैं बात करूं इसके लिए, तो ई एम, ठीक है, इंटू डी, डी कितनी है, थिकनेस कितनी है, टी वन, ई एम वन मीडियम, ई एम टू, डी टू, ऐसे डॉट डॉट कहां तो चलेंगे, ई एम एन और डी, ठीक है। अब देखो ई एयर कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी वन प्लस टी टू कहां तक, डॉट 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 टी एन तक, प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर वन टी वन प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर टू टी टू कहां तक चलेंगे अपन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर एन टी एन तक, ये मेरा वी चल रहा है। अब इन सब में कॉमन क्या जाएगा, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन क्या जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मैं करता हूं फुल डेरिवेशन, ठीक है। कॉमन कितना आ जाएगा, वी पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्या बचा, ब्रैकेट डी माइनस टी वन प्लस टी टू कहां तक, टी एन तक, ठीक है। यहाँ पे प्लस टी वन अपॉन एप्सिलॉन आर वन, टी टू अपॉन एप्सिलॉन आर टू, डॉट डॉट डॉट, टी एन अपॉन एप्सिलॉन देखो कॉमन ले लिया सबने। अब पीपी हो गया तो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बी, तो सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी, क्यू बी, बी कितना है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा ब्रैकेट का ऐसे से लिख दिया मैंने, ऐसे कैसे ब्रैकेट में तुम्हें लिखना है, सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, क्यू से क्यू कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, ये ब्रैकेट ऐसे दिया जाएगा, ये ब्रैकेट, ठीक है। तो ये निकाल दिया आपने सी, किसके लिए, अलग अलग थिकनेस की, अलग अलग मीडियम की, अगर प्लेट्स रखी हुई हो कैपेसिटर में, तो उसके लिए डायलैक्ट्रिक, उसके कैपेसिटेंस ये होगा, ठीक है। उतार लो, डाउट हो बोल दो, बाकी आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन नहीं समझ में तो बोल देना, अभी सेम वही चीज चल रही है, लास्ट के तीन डेरिवेशन सेम कॉन्सेप्ट चल रही है, लास्ट क्लास में जो कराया था मैंने वो और आज की क्लास सेम चल रही है, कोई चेंज नहीं है। हो गया क्या,
नहीं हुआ क्या? अब लिखो कॉन्सेप्ट, बता रहा हूँ नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को समझना है तुम्हें, ठीक है? अब मैं कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे अपन। कॉन्सेप्ट क्या है देखो, मेरे पास एक ये प्लेट रखी हुई है ऐसे, और एक प्लेट ये रखी हुई है ऐसे। इसको मैंने चार्ज दिया सपोज क्यू, और इसको मैंने चार्ज दिया थ्री क्यू। चार्ज इसके पास क्यू था और इसके पास थ्री क्यू था। अब मैंने इन प्लेट्स को पास में रख दिया। क्या रख दिया? पास में रख दिया। अब पास में रख दिया तो इसका जो चार्ज होगा इस पे इंड्यूस होगा, इसका चार्ज इस पे इंड्यूस होगा। तो मेरे को 1 2 3 और 4, इन चार जगह 1 2 3 और 4, यानी इस सरफेस पे चार्ज कितना होगा, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा और इस पे कितना होगा। ये मेरा एक टॉपिक है या कॉन्सेप्ट कह सकते हैं अपन को। दो प्लेट है, एक पे चार्ज क्यू था, एक पे क्यू चार्ज था। अब उन दोनों चार्जेस को मैं पास में लेके आ रहा हूँ, ठीक है? पास में लाके रख दिया तो एक दूसरे पे क्या होगा, इंडक्शन मेथड भी लगेगा। एक दूसरे पे कौन सा मेथड लगेगा? इंडक्शन मेथड भी लगेगा। कि क्यू का माइनस क्यू उस पे जाएगा, थ्री क्यू उस पे जाएगा, तो कितना चार्ज जाएगा टू सरफेस पे, थ्री सरफेस पे, फोर सरफेस पे और वन सरफेस पे। तो अपन को पता करना है चार्ज 1 2 3 और 4 पे, ठीक है? अपनी भाषा में कॉन्सेप्ट लिख लो कि मैं क्या निकालने जा रहा हूँ। कि क्यू एंड थ्री क्यू, दे आर टू प्लेट्स क्यू एंड थ्री क्यू placed near to each other without touching, placed near each other without touching. Then find the charges on, find charges on each surface. Then find the charges on each surface. हाँ जी, लिख लिया क्वेश्चन। अब देखो, अगर ऐसे क्वेश्चन कभी भी करने हो, दो प्लेट, तीन प्लेट, चार प्लेट, पांच प्लेट, छह प्लेट, 10 प्लेट दिया जाए, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब देखो कैसे करते हैं अपन ऐसे क्वेश्चंस। देखो, पास में रख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है? मैंने स्टार्ट किया यहां से, इस सरफेस पे मान लो रख दिया, इंडक्शन हो गया, सब कुछ कार्यक्रम हो चुका है। अब चार्ज सैचुरेट है, मैंने कहा चार्ज इसके ऊपर एक्स आ, इस सरफेस के ऊपर, ठीक है? थिकनेस बहुत कम है, यहाँ पे एक्स आ चुका है चार्ज। तो बताओ इस सरफेस पे कितना होगा क्यू माइनस एक्स, क्योंकि टोटल जो चार्ज रहता है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो टोटल चार्ज का ऐड करो क्यू माइनस एक्स, और उसको ऐड करो कितना आएगा, सेम ही आएगा, यानी क्यू आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर क्यू माइनस एक्स है प्लस का, तो इस सरफेस पे कितना होगा आफ्टर इंडक्शन, सेम ही तो जाएगा, माइनस क्यू माइनस एक्स, ठीक है? और इस सरफेस पे कितना होगा, 3q प्लस q माइनस x, क्योंकि इन दोनों चार्जेस को ऐड करने पर 3q आना चाहिए, क्योंकि चार्ज हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। इस तरीके से सबसे पहले तो मैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। यहाँ पे x मान लिया, तो यहाँ पे q माइनस x, तो ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव में होगा माइनस q माइनस x, और यहाँ पे 3q प्लस q माइनस x। यहाँ कंफ्यूजन मत करना कि सर q का माइनस 3q होगा और 3q का, यहाँ पे 3q का माइनस 3q होगा, वो सब कुछ ऑलरेडी अपन ने इसमें अज्यूम कर लिया कितना होगा, वो सब हो रहा है ऑटोमेटिक। इसमें अब हम एक्स निकालना है, ठीक है? यहां तक कोई डाउट हो किसी को भी तो पूछ सकता है, आगे तो कुछ नहीं है, आगे तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल दो। यहां तक कोई डाउट हो तो बोल सकते हो, मैसेज कर दो।
चलो यहां तक डाउट नहीं है तुम्हें, चलो कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब तुम्हें ये पता है कि मेरे पास कोई सा भी कंडक्टर हो, ये कंडक्टर हो चाहे ये हो, कोई सा भी कंडक्टर हो, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो अंदर होती है इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो होती है। कोई सा भी कंडक्टर हो क्यों होती है, कंडक्टर में चार्ज कर रहा था सरफेस पे, और सरफेस पे रहता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। ठीक है, अब मान लो मैंने पी पॉइंट ले लिया साहब, ठीक है, इस पी पॉइंट को मैंने यहाँ बना लिया, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, मेरे को पता है कि ईपी जो है वो जीरो होगा, ये मेरे को पता है। अब इस पी पॉइंट पर, यानी इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1 2 3 4 इन चारों सरफेसेस की वजह से होगी। ठीक है, अब फर्स्ट सरफेस के लिए इधर क्योंकि प्लस चार्ज है तो बाहर, टू सरफेस भी पॉजिटिव है तो भी इधर, E1 और E2 इधर चल रहा है। ठीक है, E3 पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, कहाँ हो गए टूवर्ड्स इधर, इधर ही हो गया वो भी E। E4 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए क्या होगा, बाहर E4। ये मैंने डायरेक्शन लिख ली। अब डायरेक्शन में अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें डाइपोल में समझाया था, जिस पॉइंट पे बैठे वहां जाके बैठ जाओ। यहाँ मैं पी पॉइंट पे बैठा हूँ तो फर्स्ट वाला कहाँ जाना चाह रहा है, दूर जाना चाह रहा है, इधर जा रहा है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। टू वाला अब इधर जाना चाहता है, थ्री वाला मेरे पास आना चाह रहा है, इधर इधर हो गया, फोर वाला इधर जाना चाह रहा है। तो इस तरीके से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल ली। अब प्लेट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EP इज इक्वल टू, मैं कह सकता हूँ E1 प्लस E2 प्लस E3 माइनस E4, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस माइनस E4। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी प्लेट के लिए कितनी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू अपॉन ए, सबका एरिया सेम है, टू एप्सिलॉन नॉट सब में सेम है, चेंज कौन है सब में, क्यू। तो Q1 मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, Q2 Q3 माइनस Q4, EP कितना हो गया, ये जीरो भाई। नीचे वाला आप तुम लिखना चाहो तो लिख दो, टू एप्सिलॉन नॉट है वो तो इधर आके जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब Q1 यानी फर्स्ट पे चार्ज कितना है, X, इस पे कितना है, Q माइनस X, इस पे कितना है, माइनस Q माइनस X, इस पे कितना है, प्लस 3Q प्लस Q माइनस X इज इक्वल टू जीरो। आप तुम इसको सॉल्व कर लो तुम्हारे X की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, इसका एक्स की वैल्यू कितने जगह, देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा चारों, तो बचा कौन, एक्स प्लस 3Q प्लस Q माइनस X इज इक्वल टू 0, 4Q माइनस 2X इज इक्वल टू 0, तो एक्स कितना हो गया, 4Q अपॉन 2, तो ये हो गया X इज इक्वल टू, X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2Q। सही है क्या, कोई प्रॉब्लम इसमें, उतारो इसको, एक्स कितना हो गया, 2Q। अब देखो यहाँ पे तुम चाह लेते हो 2Q, यहाँ पे क्यू माइनस का क्यू, यहाँ माइनस का क्यू, यहाँ पे सर्वर लगता है, यहाँ पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, तो ये तरीका हो गया अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सॉरी चार्ज निकालने का डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स। बताओ किसी को डाउट हो उतार लो फटाफट से, डाउट हो वो बोल दो। सर हाँ सर ये जो फोर्थ लाइन है एक्स प्लस 3Q प्लस क्यू माइनस एक्स, तो सर इसमें एक्स तो कट गया ना एक्स से। ओके, ये एक्स कट गया यहाँ पर, तो प्लस माइनस कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया अपन ने, माइनस का था ना वो, हाँ माइनस माइनस रह गया तो माइनस चेंज कर दो उसको, आंसर आ जाएगा ये माइनस, अपन माइनस वाला हो जाएगा ना, आंसर चेंज हो जाएगा फिर इसका, ये माइनस हो गया, ये माइनस रहेगा तब, ये माइनस होगा यहाँ पर, सही है, हाँ ठीक है सर। अब करना फॉर इसको।
अभी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया, फटाफट बोलो कोई डाउट हो किसी को। तो डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट में पॉइंट पी पे बैठ जाओ, ठीक है? डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो देखो, दोबारा देखो, यहाँ देखो, ये पी पॉइंट है, 1, 2, 3 और 4 ये है, ठीक है? यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है? इस पी पॉइंट पे तुम बैठे हो। अब इस पी पॉइंट पे तुम बैठे हो तो इस वन की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगा, इधर जाएगा, इधर ही जाएगा ना, तो ये हो गया वन। इस टू की वजह से भी इधर ही जाएगा, तो ये हो गया एक टू। थ्री की वजह से क्या होगा, थ्री की वजह से क्या होगा, खुद की तरफ जाएगा, ठीक है? और फोर की प्लस, फोर की वजह से क्या होगा, इधर आएगा, ठीक है? इस तरीके से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल। हो गया सबका? कल और करेंगे इसमें क्वेश्चन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही निकाली है, अभी तो उसका पोटेंशियल निकालेंगे, फिर इससे कैपेसिटर बनाएंगे, फिर स्फेरिकल सेल्स लेके आएंगे, स्फेरिकल सेल में देखेंगे, फिर तो बहुत सारी चीजें अभी तो उसमें करने को, अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है? चलो बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ बोलिए। अभी तो इंश्योरेंस रिसीव नहीं हुआ मेरे को, अभी तो नहीं पहुंची। आपके जो एग्जीक्यूटिव पे को बनाते हैं, आगे से मैं इंश्योरेंस नहीं करूंगा आपकी कंपनी से। सर हम दे जाएंगे, हम लेके जाएंगे, हम कल लेके जाएंगे, हम परसों लेके जाएंगे, क्या ही 6 महीने हो गए, एड्रेस पे है ना कुछ और।